Welcome to our channel Indovision Services Private Limited. I am Vishal Singh and today we will discuss about risk management. Risk management का मतलब होता है जोखिम प्रबंधन. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति को, हर कंपनी को या किस हर ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी काम को करने में थोड़ा बहुत तो रिस्क होता है. रिस्क को अगर हम सामान्य शब्दों में समझें तो रिस्क का मतलब होता है खतरा. तो खतरा आज के समय में हर चीज़ में होता है. जैसे कि अगर हम कंपनी के संदर्भ में बात करें तो अगर हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट को लेने में हमें, हम लाभ के लेने के उद्देश्य से लेते ज़रूर हैं बट नुकसान होने का भी खतरा रहता है. तो किस तरह की रणनीति या योजना होनी चाहिए कि हम उस नुकसान को कम कर सकें या उस नुकसान से बच सकें, तो इस बात को समझने के लिए मैनेजमेंट प्रबंधन के अंतर्गत एक टॉपिक है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यह विषय किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी परिस्थिति में जोखिम को कम करने के या खतरे को कम करने के उपयोग में काम आता है. सबसे पहले हम समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है. जैसा कि आप देख रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग रिस्क एंड ड्रॉइंग अप प्लान्स टू मिनिमाइज देयर इफेक्ट ऑन अ प्रोजेक्ट. जोखिम प्रबंधन एक परियोजना पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए जोखिमों की पहचान करने और योजनाओं को तैयार करने से संबंधित है. देखिए, प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना. जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट. उस प्रोजेक्ट में कई तरह के कार्य हमें संपादित करने होते हैं, कई प्रकार के कार्यों को करना होता है और हर कार्य का एक अपना रिस्क फैक्टर होता है कि उस काम को करने से कुछ नुकसान हो सकता है. तो किस प्रकार से उस कार्य में उन जोखिम की पहचान करके और कम से कम नुकसान हो इसके लिए एक अच्छी रणनीति हम बना सकें, वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा होता है. A risk is a probability that some adverse circumstances will occur. एक जोखिम एक संभावना है कि कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी. रिस्क का मतलब होता है एडवर्स कंडीशन, विषम परिस्थिति. ठीक, दो तरह की परिस्थितियां होती हैं. एक होता है अनुकूल परिस्थिति, एक होता है प्रतिकूल परिस्थिति. अनुकूल परिस्थिति का मतलब होता है जब चीजें हमारे फेवर में होती हैं. ठीक, और प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब होता है जब चीजें हमारे फेवर में नहीं होती. तो जब चीजें हमारे फेवर में नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि हमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है. तो हम किस प्रकार से उस नुकसान को मैनेज करेंगे या कम करने की कोशिश करेंगे, यही सारी चीजें हमें जोखिम प्रबंधन में सीखने को मिलती हैं. पहला पॉइंट हमारा है प्रोजेक्ट रिस्क अफेक्ट शेड्यूल और रिसोर्सेस. परियोजना संबंधित जो जोखिम होते हैं वो हमारे समयबद्धता और हमारे संसाधन, मतलब कि जिस टाइम ड्यूरेशन में हमें अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना होता है उससे प्रभावित करते हैं, तथा अपने परियोजना को संपादित करने के लिए जिन संसाधनों का हम इस्तेमाल करते हैं उससे प्रभावित करते हैं. मतलब कि समय से संबंधित जो नुकसान हो या संसाधन से संबंधित जो नुकसान होता है या जोखिम होता है उसे हम प्रोजेक्ट रिस्क के नाम से जानते हैं. दूसरा पॉइंट हमारा है प्रोडक्ट रिस्क अफेक्ट द क्वालिटी और परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर बीइंग डेवलप्ड. यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री का, जहाँ पर दूसरे तरह का रिस्क होता है प्रोडक्ट रिस्क, मतलब कि उत्पाद से संबंधित जोखिम. उत्पाद से संबंधित जो जोखिम होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता या उसके प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं. थर्ड पॉइंट हमारा है बिजनेस रिस्क अफेक्ट द ऑर्गेनाइजिंग डेवलपिंग और प्रोक्योरिंग द सॉफ्टवेयर. तीसरा हमारा है व्यावसायिक जोखिम सॉफ्टवेयर के आयोजन, विकास या खरीद को प्रभावित करता है. बिजनेस रिलेटेड जो रिस्क होगा हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो हमारे सॉफ्टवेयर के आयोजन, उसके डेवलपमेंट और उसकी बाइंग मतलब उसकी खरीद को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं. तो ये हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड तीन प्रकार के रिस्क हो सकते हैं. पहला प्रोजेक्ट रिस्क, दूसरा प्रोडक्ट रिस्क एंड तीसरा
बिजनेस रिस्क। आइए इसे हम आगे की स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन क्या है? जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस एक्चुअल में जोखिम होता क्या है और उसका प्रबंधन क्या होता है? तो आप देख रहे हैं इस पे लिखा है, रिस्क इज एन अनसर्टेन इवेंट दैट मे हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। जोखिम एक अनिश्चित घटना है जिसका परियोजना पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रिस्क अगर हम लेते हैं तो हम उस चीज को प्राप्त भी कर सकते हैं, उस चीज को खो भी सकते हैं। इसलिए जोखिम एक ऐसी एक अनिश्चित घटना होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन उसका हमारे प्रोजेक्ट पर, हमारी परियोजना पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो हमें करना क्या होता है कि हम किस प्रकार से नेगेटिव इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करें और उसे अपने प्रोजेक्ट से निकालने की कोशिश करें। यही चीज हम पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट में। रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड माइग्रेटिंग रिस्क। जोखिम प्रबंधन जोखिम की पहचान करने और पलायन करने की प्रक्रिया है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि जो जोखिम हमारे परियोजना के अंतर्गत आ सकते हैं उन्हें पहचानना है और उन्हें रिड्यूस करना है, हटाने की कोशिश करना है। हमें एक ऐसी रणनीति तैयार करनी होती है रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत कि जो भी नुकसान, जो भी संभावित नुकसान या जोखिम हमारे परियोजना में हो सकते हैं उन्हें एक अच्छी रणनीति बनाकर हम दूर करने की कोशिश करते हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये जरूरी क्यों होता है भाई, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, क्यों करना चाहिए इसे? तो आइए हम जानते हैं। रिस्क अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, योर बजट, योर शेड्यूल, योर स्कोप, द एग्रीड लेवल ऑफ क्वालिटी एंड सो ऑन। जोखिम आपके प्रोजेक्ट के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, आपका बजट, आपका शेड्यूल, आपका दायरा, गुणवत्ता का सहमत स्तर इत्यादि। जो रिस्क है वो आपके धनराशि, इट मीन्स की बजट, जो बजट आप लेकर के चल रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, वो उस प्रोजेक्ट को बढ़ा सकता है जो कि आपके लिए नुकसान देगा। आपके समय को बढ़ा सकता है जिससे आपका जो रेवेन्यू है एक्चुअल टाइम में जनरेट नहीं होगा। आपकी लिमिट्स, आपकी क्वालिटी, इन सभी चीजों को वो क्या करता है, इंपॉर्टेंट और प्रभावित करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव इवेंट, सकारात्मक घटना की संभावना बढ़ाए। रिस्क मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि रिस्क को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि वो चीज हमें नेगेटिव इंपैक्ट ना दे करके पॉजिटिव इंपैक्ट दे, हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त करवाए, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा है, रिड्यूस द ऑकरेंस ऑफ नेगेटिव इवेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हम ऐसी कोशिश करते हैं, ऐसी रणनीतियां बनाते हैं कि उस रिस्क का हमारे प्रोजेक्ट पर, हमारी परियोजना पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। आइए हम समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, एग्जांपल्स ऑफ कॉमन प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट एंड बिजनेस रिस्क। देखिए यहाँ पे तीन कॉलम बने हुए हैं, पहला रिस्क, दूसरा अफेक्ट्स एंड तीसरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, हमने अभी आपको पहले बताया है कि रिस्क तीन तरह के, पहला प्रोजेक्ट रिस्क जो कि परियोजना को प्रभावित करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट रिस्क जो आपके प्रोडक्ट को प्रभावित करते हैं, और तीसरा बिजनेस रिस्क जो आपके बिजनेस को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कौन से रिस्क हो सकते हैं, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला रिस्क है स्टाफ टर्नओवर, अफेक्ट प्रोजेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन। एक्सपीरियंस स्टाफ विल लीव द प्रोजेक्ट बिफोर इट इज फिनिश्ड। जब कोई योजना की शुरुआत करते हैं तो उसमें कुछ हमारे की होल्डर्स होते हैं, की होल्डर्स मतलब जिनके कंधों पर बहुत मजबूत जिम्मेदारियां होती हैं, हम उनके बदौलत ही परियोजना को स्टार्ट करते हैं। बट समटाइम ऐसा होता है कि किसी कारणवश वो हमारा साथ पूरे प्रोजेक्ट के दौरान नहीं दे पाते, तो ये एक रिस्क है कि जिनके ऊपर हमने ये जिम्मेदारियां दी किसी कारणवश उन्हें उस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा, तो इसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है जिससे हमारा प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकता है। दूसरा, मैनेजमेंट चेंज,
एस्पेक्ट है आपका प्रोजेक्ट एंड डिस्क्रिप्शन है देयर विल बी अ चेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट विद डिफरेंट प्रायोरिटीज। देखिए हर प्रबंधन का अपना काम करने का तरीका होता है, तो जब हम प्रबंधन के मुखिया को या प्रबंधन के सदस्यों को बदलते हैं तो उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं जो कि हमारे मूलभूत उद्देश्य से अलग हो सकती हैं। तो जब हमारे ओरिजिन से हमारा करंट चेंज होगा तो कहीं ना कहीं कार्यशैली में और हमारे प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के काम करने के तरीके में, प्रोजेक्ट के रिजल्ट में काफी बदलाव आएंगे जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। तीसरा पॉइंट, हार्डवेयर अनअवेलेबिलिटी अफेक्ट प्रोजेक्ट है। हार्डवेयर दैट इज एसेंशियल फॉर द प्रोजेक्ट विल नॉट बी डिलीवर ऑन शेड्यूल। हार्डवेयर अनअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिन हार्डवेयर्स की जरूरत है, जिन कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है, अगर वो समय से उपलब्ध ना हो पाए, अगर ये समय से उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, तो जो आपने निर्धारित समय बनाया है कि हम इस समय तक प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे, वो आप नहीं कर पाएंगे, जो कि प्रोजेक्ट के लिए एक रिस्क है। फोर्थ पॉइंट, रिक्वायरमेंट्स चेंज अफेक्ट किसे करता है? प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट को। देयर विल बी अ लार्जर नंबर ऑफ चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट्स देन एंटिसिपेटेड। रिक्वायरमेंट चेंज मतलब कई बार होता है कि परियोजना के दौरान हमें कई प्रकार के बदलावों की जरूरत पड़ती है, जो ट्रेडिशनल मेथड हम लेके चल रहे हैं उनसे हमारा काम नहीं हो पाता और हमें बदलाव करने की जरूरत पड़ती है। तो जब ये बदलाव हम करेंगे जो कि अप्रत्याशित होता है, मतलब कि जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है, तो वो चीज भी आपके प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन डिलेज अफेक्ट आपका करेगा प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट को। द साइज ऑफ द सिस्टम हैज बीन अंडरएस्टिमेटेड। सॉरी इसके पहले वाला हम पढ़ेंगे। स्पेसिफिकेशन ऑफ एसेंशियल इंटरफेस आर नॉट अवेलेबल ऑन शेड्यूल। स्पेसिफिकेशंस का मतलब होता है विशिष्टता ऑफ एसेंशियल इंटरफेस, जो कि आवश्यक संपर्क है आपका, आपके निर्धारित समय पर वो उपलब्ध ना हो, इसकी वजह से भी देरी हो सकती है आपको। नेक्स्ट हमारा है साइज अंडर एस्टिमेट अफेक्ट आपका करेगा प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट को। द साइज ऑफ द सिस्टम हैज बीन अंडर एस्टिमेटेड। कई बार होता है कि हम उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साइज को, कि वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, मतलब कि हम सही आकलन नहीं कर पाते कि वो प्रोजेक्ट एक्चुअल में कितना बड़ा है और उसके हिसाब से रणनीतियां तैयार नहीं करते, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट आपका है केस टूल अंडर परफॉर्मेंस। केस का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। क्या इफेक्ट करेगा आपके प्रोडक्ट को? केस टूल्स विच सपोर्ट द प्रोजेक्ट डू नॉट परफॉर्म एज एंटिसिपेटेड। जिस प्रकार का आप केस टूल यूज कर रहे हैं, इट मीन्स के कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो सही तरीके से परफॉर्म ना करे आपके प्रोजेक्ट के, प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होगा? इससे आपके प्रोजेक्ट में, आपके प्रोडक्ट में की क्वालिटी में कमी आ सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। टेक्नोलॉजी चेंज अफेक्ट आपका बिजनेस। द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑन विच द सिस्टम इज बिल्ट इज सुपरसेस्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। कई बार होता है कि जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे होते हैं उसी पर्टिकुलर सेक्टर में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में नई प्रकार की तकनीक ईजाद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट इफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो परंपरागत चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं आधुनिक चीजों से ज्यादा समय लेती हैं या ज्यादा खर्चीली होती हैं, लेकिन चूंकि हम उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक, तो उसे छोड़ के निकलना भी मुश्किल होता है, लेकिन एक तरीके का ये क्या है? बिजनेस रिस्क है। लास्ट हमारा है प्रोडक्ट कंपटीशन अफेक्ट आपका बिजनेस। अ कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट इज मार्केटेड बिफोर द सिस्टम इज कंप्लीटेड। आपको पता है
आज की दुनिया एक बाजार है जहाँ पर हर कोई अपने उत्पाद को अपने सेवाओं को बेचना चाहता है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है इस चीज़ में। तो कई बार ऐसा होता है कि जब तक हम अपनी प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जब तक हम अपनी प्रक्रिया को पूरा करके अपने प्रोजेक्ट को पूरा करके अपने उत्पाद को लॉन्च करते हैं, तब तक कोई और उस उत्पाद को लॉन्च कर चुका होता है, जो कि हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है कि वो उत्पाद जो कि हम बनाकर देने वाले थे वो पहले से ही मार्केट में आ गया। तो ये कुछ कॉमन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड रिस्क है, जिसका ध्यान हमें अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने और एग्जीक्यूट करने के टाइम में देना चाहिए। आइए हम समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है उसका, उस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जोखिम की पहचान करना। सबसे पहली जरूरी चीज है कि आप इस बात की पहचान करिए कि जो प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं उसमें किस तरह के रिस्क हो सकते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, तब आप उसे मैनेज कर पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके के रिस्क हो सकते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है, जो भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनिशिएट करने जा रहे हैं, आप उसमें ये पहचानिए कि किस प्रकार के जोखिम, किस प्रकार का रिस्क आने वाले समय में आपके प्रोजेक्ट में आ सकते हैं। आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट एंड बिजनेस रिस्क। इस आइडेंटिफिकेशन में आपको तीनों चीजें पहचाननी है। पहला, प्रोजेक्ट रिस्क क्या हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट रिस्क क्या हो सकता है, एंड तीसरा बिजनेस रिलेटेड रिस्क क्या हो सकता है। जैसा कि हिंदी में आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट उत्पाद और व्यवसायिक जोखिमों की पहचान करना। दूसरा, मान लीजिए हमने पहचान कर ली कि नहीं ये सब की सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप हमारा होगा रिस्क एनालिसिस, जोखिम विश्लेषण। असेस द लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस रिस्क, इन जोखिमों की संभावना और परिणामों का आकलन करें। अब हम क्या करेंगे, जो रिस्क में आइडेंटिफाई किया है उसका एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे कि ये जो रिस्क हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके होने की क्या संभावना है। ठीक है, संभावना का मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या वो कई बार हो सकता है, क्या वो एक बार हो सकता है। ठीक, और अगर होता है तो उसका हमारे प्रोजेक्ट पर क्या रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम आएगा, कितना नुकसान हो सकता है, किस सेक्टर में नुकसान हो सकता है, इस चीज को हम समझेंगे आपके रिस्क एनालिसिस पार्ट में। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट हमारा रिस्क प्लानिंग, जोखिम की योजना। आपने पहचान लिया, एनालिसिस कर लिया कि नहीं ये संभावना है, ये परिणाम हो सकता है, तो आप क्या करना है, इस रिस्क को प्लान करना है। प्लान करने का मतलब आपको ऐसी प्लानिंग करनी है कि ये रिस्क अगर आते भी हैं तो इनके प्रभाव को कम से कम किया जा सके। जैसा कि लिखा हुआ है, ड्रॉ अप प्लान्स टू अवॉइड और मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द रिस्क, जोखिम के प्रभावों से बचने या कम करने के लिए योजना बनाए। आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी जिसके अंतर्गत आप क्या कर पाए, अपने रिस्क फैक्टर के रिजल्ट को कम से कम कर पाए। समझ रहे हैं आप बात को, आप अपने रिस्क फैक्टर को क्या करें, कम से कम कर पाए। अगर आप सही तरीके से मैनेज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जोखिम जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता था, अब आपके प्रोजेक्ट को उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास एक अच्छी योजना होगी। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, रिस्क मॉनिटरिंग, जोखिम की निगरानी। कई बार होता है कि प्लानिंग तो हमने कर ली बट उस प्लानिंग पर हम स्टक नहीं रहते, हम उसे ध्यान में ही नहीं रखते, तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं तो उस प्लान को आपको एग्जीक्यूट करने के साथ साथ उसे मॉनिटर भी करना होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब तक आप मॉनिटर नहीं करेंगे तब तक हो सकता है कि वो कोई गलती हो और आप उसे आइडेंटिफाई ना कर पाए, जो कि कल को आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा है रिस्क मॉनिटरिंग, मॉनिटर द रिस्क थ्रू आउट द प्रोजेक्ट,
पूरे प्रोजेक्ट में जोखिमों की निगरानी करना, इस पूरे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसकी हमने पहचान की, जिसका हमने एनालिसिस किया, जिसे कम करने के लिए हमने प्लानिंग की, उसकी मॉनिटरिंग भी हो सके कि वास्तव में वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो पा रहा है तो एक और अच्छी रणनीति बनाकर उसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सो ये हमारा था रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट पार्ट, इसे हमने डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की है। सबसे पहला रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ठीक, इसमें क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्क, रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसकी लिस्टिंग करते हैं, सूची बनाते हैं कि कौन से रिस्क ज्यादा प्रभावशाली हैं, कौन से रिस्क हमारे प्रोजेक्ट को ज्यादा प्रभावी करेंगे, उसकी एक सूची तैयार करते हैं। दूसरा रिस्क एनालिसिस, प्रायोरिटाइज रिस्क लिस्ट, उसमें जो चीजें ज्यादा प्रभावी होंगी उन्हें हम अपने सूची में सबसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा फोकस उन चीजों पर करना पड़ेगा। तीसरा रिस्क प्लानिंग, रिस्क अवॉइडेंस एंड कंटिजेंसी प्लान, ठीक है, रिस्क अवॉइडेंस मतलब उस रिस्क को क्या करना है, अवॉइड करना, उससे बचने की कोशिश करना, एंड कंटिजेंसी प्लान्स, और उसे कम करने के लिए क्या करना, अच्छी योजना बनाना, ये हमारा रिस्क प्लानिंग का पार्ट है। एंड लास्ट हमारा रिस्क मॉनिटरिंग, जिसे हम कर सकते हैं किसके थ्रू, रिस्क असेसमेंट के थ्रू, ठीक है, रिस्क असेस करेंगे, रिस्क का परिणाम निकालेंगे तो पता चलेगा कि नहीं हमने मॉनिटर की थी चीज है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम, जोखिम की पहचान करना, लिखा हुआ है मे बी अ टीम एक्टिविटीज और बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक्सपीरियंस, टीम गतिविधियों या व्यक्तिगत परियोजना प्रबंधक के अनुभव के आधार पर हो सकता है। इन जोखिमों की पहचान आप करेंगे कैसे, क्या तरीका है इनका, आप क्या पहचान लें कि ये जोखिम हो सकते हैं, तो आपको अपने टीम की एक्टिविटीज पर, आपके समूह के सदस्यों की गतिविधियों पर क्या करनी होगी, निगरानी रखनी होगी, और साथ ही साथ आपके परियोजना का जो प्रबंधक है, आपके प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है, उसके अनुभव के आधार पर भी आप ये रिस्क फैक्टर पहचान सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम प्रोजेक्ट उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में देते हैं जिन्हें उस कार्य का अनुभव होता है, और यदि व्यक्ति के पास कार्य करने का अनुभव है तो उसे पहले से पता होगा कि किस प्रकार के कार्य को करने में किस प्रकार की मुश्किलें आ सकती हैं, किस प्रकार के फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक। तो रिस्क फैक्टर की अगर आपको पहचान करनी है तो सबसे पहले आप अपने टीम एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखेंगे और अपने एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर से कंसल्ट करके आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनिशिएट करने जा रहे हैं, उसमें किस प्रकार के रिस्क की संभावनाएं हो सकती हैं। अ चेकलिस्ट ऑफ कॉमन रिस्क मे बी यूज टू आइडेंटिफाई रिस्क इन अ प्रोजेक्ट, किसी परियोजना में जोखिम की पहचान करने के लिए सामान्य जोखिमों की एक चेकलिस्ट का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, हर प्रोजेक्ट में ऐसे कुछ सामान्य जोखिम होते हैं कि जो कि होने ही होने हैं, जिसकी पहचान आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से, एक्सपीरियंस पे, या टीम एक्टिविटीज से, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, हम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी एक सूची बना करके रखनी चाहिए ताकि हम प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएंगे, उसका एनालिसिस कर पाएंगे, उसका मॉनिटरिंग कर पाएंगे एंड उसकी प्लानिंग कर पाएंगे। आइए लिस्ट एक देखते हैं हम। सबसे पहला टेक्नोलॉजी रिस्क, प्रौद्योगिकी जोखिम। सेकेंड पीपल रिस्क, लोगों द्वारा जोखिम। थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, संगठनात्मक जोखिम। रिक्वायरमेंट्स रिस्क, आवश्यकात्मक जोखिम। एस्टिमेशन रिस्क, अनुमान जोखिम। आइए इन्हें हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी से संबंधित जो रिस्क होते हैं वो क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रिस्क, संभावित जोखिम क्या है इसके। द डेटाबेस यूज्ड इन द सिस्टम कैन नॉट प्रोसेस एज मेनी ट्रांजेक्शंस पर सेकंड एज एक्सपेक्टेड। ऐसा हो सकता है कि तकनीकी क्षेत्र में जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं और जो एक्सपेक्टेशंस आप रखते हो कि प्रति सेकंड जितने परिणाम उसे देने चाहिए उतने परिणाम वो ना दे। जब अगर मान लीजिए कि आप दो दिन में आप 100 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और वो दो दिन में सिर्फ 80 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे तो आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट तो उतना ही रहेगा, तो आपका जो शेड्यूल है वो इफेक्ट करेगा। तो ये एक संभावित रिस्क हो सकता है तकनीकी क्षेत्र में कि जो डेटा, जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उसका जो ट्रांजेक्शन है, उसका जो प्रोडक्टिव रेट है वो इफेक्ट करे।
दूसरा, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कंटेन डिफेक्ट, दैट मीन दे कैन नॉट बी रीयूज्ड एज प्लांट। रीयूजेबल सॉफ्टवेयर, दोबारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कंटेन डिफेक्ट्स, जिसमें कि खराबी है, दैट मीन दे कैन नॉट बी रीयूज्ड एज प्लांट। ठीक, जो कि हमारे योजना के अंतर्गत हम यूज करने वाले थे उसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, उनका दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और उस चीज को हम अपने प्रोजेक्ट के शामिल करते हैं। बट जब हम उसे रीयूज करने के लिए यूज करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी संबंधित रिस्क है जो कि हमारे प्लान को फेल कर सकता है। सेकेंड, पीपल रिस्क। देखिए इसमें क्या हो सकता है पॉसिबल रिस्क, इट इज इम्पॉसिबल टू रिक्रूट स्टाफ विद द स्किल रिक्वायर्ड। यह बहुत ही मुश्किल होता है कि जिस तरीके का हम स्टाफ अपने प्रोजेक्ट के लिए खोज रहे हैं वास्तव में उसी कैटेगरी का स्टाफ आपको मिल जाए, आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि सामान्यतः ऐसा होता है कि जिस टाइम स्लॉट में हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है उस टाइम लिमिट तक अपने अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग या प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम स्टाफ को रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, बट 100% वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं हो सकती। तो ये भी एक पॉसिबल रिस्क हमारा हो सकता है। सेकंड, की स्टाफ आर इल एंड अनअवेलेबल एट क्रिटिकल टाइम्स। कुछ क्रूशियल टाइम्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट में जहां पर हमें अपने एक्सपीरियंस पर्सन्स की, अपने प्रोफेशनल्स की, अपने की स्टाफ की जरूरत पड़ती है। हो सकता है वो उस समय बीमार हो सकता है वो किसी काम से छुट्टी पर हो, तो ये चीज भी हमारे प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकती है। एंड थर्ड इज रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। हर प्रोजेक्ट को, हर काम करने के लिए हर व्यक्ति को प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना ट्रेनिंग के हमें वो काम उनसे करवाना होता है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण की अनुपलब्धता के कारण या समय की कमी के कारण हम अपने पर्टिकुलर स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं करा पाते, जो कि आगे चलकर हमारे प्रोजेक्ट में एक संभावित रिस्क हो सकता है। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। इसमें क्या हो सकता है पॉसिबल रिस्क, द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्ट्रक्चर्ड सो दैट डिफरेंट मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। अगर हमारा संगठन रिस्ट्रक्टेड का मतलब होता है कि संगठनात्मक नहीं है, ठीक है, संगठनात्मक का मतलब है कि एकात्मकता नहीं है उसके अंदर, इसमें कई सारे डिफरेंट मैनेजमेंट्स है, कई सारे अलग अलग प्रबंधन उस चीज के लिए काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट के लिए कई सारे मैनेजमेंट्स काम कर रहे हैं, जब तो मैनेजमेंट्स के कुछ क्या अलग अलग मैनेजमेंट्स के अलग अलग रूल्स एंड अलग अलग प्रिंसिपल्स एंड अलग अलग मेथोलॉजी होती है। तो अगर एक ही प्रोजेक्ट पर ये डिफरेंट मैनेजमेंट्स अपने इनिशिएटिव्स लेंगे, अपने डिसीजंस लेंगे, तो एक पर्टिकुलर रूट में जो हम काम करना चाहते हैं वो हमारा नहीं हो पाएगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिस्क साबित हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम फोर्स रिडक्शन इन द प्रोजेक्ट बजट। संगठनात्मक वित्तीय समस्याएं हमारे प्रोजेक्ट के बजट को क्या कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 10 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की दिक्कत आ गई तो हमारा मैनेजमेंट क्या करेगा, हमारे बजट की कटौती करेगा। तो अगर बजट की कटौती करेगा तो उससे हमारा प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है टूल टाइप रिस्क। द कोड जनरेटेड बाय सॉफ्टवेयर कोड जनरेशन टूल्स इज इनएफिशिएंट। इट मींस कि जो हमारे सॉफ्टवेयर कोड के थ्रू हमारा कोड जनरेट हो रहा है, ठीक है, द कोड जनरेटेड बाय सॉफ्टवेयर कोड जनरेशन टूल इज इनसफिशियंट। जो हमारा सॉफ्टवेयर कोड जनरेशन टूल है, ठीक है, उसके द्वारा जो कोड हमारा जनरेट हो रहा है सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग के लिए, वो इनएफिशिएंट हो, वो अपर्याप्त हो। अपर्याप्त का मतलब कि जितना यूजफुल होना चाहिए उतना यूजफुल ना हो, तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल रिस्क है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर टूल्स कैन नॉट वर्क टुगेदर इन अ इंटीग्रेटेड वे। यदि हमारे सॉफ्टवेयर टूल्स, ठीक,
आपस में सही तरीके से सामंजस्य बना करके काम न करें। इंटीग्रेटेड मतलब होता है सामंजस्य, एक साथ मिलकर के काम करने के लिए इंटीग्रेटेड वर्ड का हम यूज करते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर टूल्स हम यूज कर रहे हैं, अगर वो आपस में सामंजस्य बनाकर काम नहीं करेंगे, अगर एक दूसरे के वर्जन्स को सपोर्ट नहीं करते या एक दूसरे के प्रोसेस को क्लासिफाई नहीं करते या प्रोसीड नहीं करते, तो इससे भी हमारा ये भी एक पॉसिबल रिस्क है जो हमारे प्रोजेक्ट को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स, चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स दैट रिक्वायर मेजर डिजाइन रीवर्क आर प्रपोज्ड। क्या लिखा है? Changes to requirements that require major design rework are proposed. It means कि जो भी जरूरती बदलाव है, ठीक है, जो भी जरूरती बदलाव है वो आपके एक बहुत बड़े डिजाइन रिवर्क को क्या करते हैं, प्रस्तावित करते हैं। अगर आप किसी चीज में बदलाव करेंगे तो इसकी एक जरूरत बन जाए कि आपका जो मेजर डिजाइन वर्क है, जो प्रिंसिपल है आपका, जो कि प्रस्तावित है आपका, ठीक, उसमें बदलाव की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी अगर आप अपने मॉडल में चेंजेस लाते हैं, अपने स्टैंडर्ड मॉडल में चेंजेस लाते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का वो प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट, कस्टमर्स फेल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स चेंजेस। यदि आपका ग्राहक इस बात को समझने में असमर्थ है कि जो भी आप रिक्वायर्ड चेंजेस ला रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर में और वो उसे एक्सेप्ट ना करें, आपका कस्टमर उस पर्टिकुलर चेंजेस को क्या करे, एक्सेप्ट ना करे, तो आपके प्रोडक्ट को क्या करेगा, वो छोड़ देगा। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण रिस्क टाइप हो सकता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर में जो भी तकनीकी बदलाव लाते हैं, तकनीकी चेंजेस लाते हैं, वो एटलीस्ट यूजर फ्रेंडली हो, ठीक, उसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अगर आपके बदलाव की वजह से आपके कस्टमर को उस चीज़ को समझने में दिक्कत आती है, तो वो क्या करेगा, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्विट कर देगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। द लास्ट, एस्टिमेशन द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इज अंडरएस्टिमेटेड। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो समय हमने निर्धारित किया है, क्या वो अंडरएस्टिमेटेड है? इट मीन्स कि मतलब हमें अगर उस पर 6 महीने लगने थे और हमने 4 महीने के टाइम में ले लिया, ठीक, इसकी वजह से चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। द रेट ऑफ डिफेक्ट रिपेयर इज अंडरएस्टिमेटेड। जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, जो भी कमियां आती हैं, ठीक, उसे रिपेयर करने के लिए जो हमने रेट निर्धारित किया है प्रोजेक्ट में, वो बदलाव हो तो उससे भी हमारी चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं। द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज अंडरएस्टिमेटेड। पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो साइज है कि कितना बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, मतलब कितने मेमोरी का होगा, कितने MB का होगा, क्योंकि ये एक बात भी इफेक्ट करती है, क्योंकि जब जितना बड़ा आपका सॉफ्टवेयर होता है, उतनी बड़े से हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस की या उतने अच्छे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर लोगों के पास वो कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल नहीं होगा, तो वो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर के लिए तब तक कोई अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को ज़रूरत नहीं करता जब तक उसका अल्टरनेटिव अवेलेबल ना हो, और यदि उसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पर उसके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा जहां पर हायर कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक रिस्क हो सकता है। आइए हम एनालिसिस कैसे करते हैं। अभी हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ा, हमने कई सारे रिस्क के बारे में पढ़ा, जहाँ पे आपने देखा कि टेक्नोलॉजी रिस्क हैं, पीपल्स रिस्क हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क हैं, रिक्वायरमेंट्स रिस्क हैं, एस्टिमेशन रिस्क हैं। तो इन रिस्क का एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या करते हैं एनालिसिस में, होता क्या एनालिसिस? तो एनालिसिस में पहला पॉइंट हमारा है एसेस प्रोबेबिलिटी एंड सीरियसनेस ऑफ ईच रिस्क। ठीक, आपको सबसे पहली बात एनालिसिस में करनी होती है कि जो जोखिम आपने लिस्टिंग किए हैं, जिनकी पहचान आपने की है, उन जोखिमों की आपके प्रोजेक्ट में क्या संभावना है और वो कितना सीरियस इंपैक्ट आपके प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, इस चीज का आपको इवैल्यूएशन करना होगा। इस नेक्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी में भी वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई और वेरी हाई। ठीक, ये संभावना है कि जो जोखिम आपने आइडेंटिफाई किए हैं उसकी संभावना या तो बहुत कम हो, या तो निम्न हो, या तो मॉडरेट लेवल में हो कि आ सकता है, या तो अधिक हो या तो बहुत ज्यादा हो।
ठीक, तो आपको ये एनालिसिस करना होगा कि उस जो भी जोखिम होगी आपने पहचान की है उसमें आपके कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो कैटेगराइज करने पर बहुत कम प्रभावित करते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, मध्यम श्रेणी में प्रभावित करते हैं, उच्च श्रेणी में प्रभावित करते हैं और अति उच्च श्रेणी में आपको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, रिस्क कॉन्शियसनेस माइट बी कैटेस्ट्रॉफिक, सीरियस, टॉलरेबल और इनसिग्निफिकेंट। ठीक, ये जो जोखिमों की आप पहचान करेंगे तो उसमें आपके कुछ जोखिम ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा भयावह परिणाम दे सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आपको गंभीर परिणाम दे सकते हैं, कुछ ऐसे परिणाम होंगे जिसे आप टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब जो आप सह सकते हैं, और कुछ ऐसे जोखिम भी हो सकते हैं जिनका कोई मतलब आपके लिए नहीं है। तो ये चार कैटेगरीज में होगा कि प्रोजेक्ट में जो रिस्क हैं वो आपके बहुत ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट को प्रभावित करें, या आपके प्रोजेक्ट को एक सिर्फ प्रभावित करें, या ऐसे रिस्क हो जो आप टॉलरेट कर सकते हैं, जिन्हें आप सह सकते हैं, साथ में लेकर के चल सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका आपके प्रोजेक्ट पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इनसिग्निफिकेंट होते हैं, मतलब महत्वहीन होते हैं। तो आइए इन्हें आगे देखते हैं। रिस्क टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स, क्या संभावना है। ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम फोर्स रिडक्शन इन द प्रोजेक्ट बजट। आपके संगठनात्मक वित्तीय समस्याएं जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट का बजट कम किया जा सकता है, इसकी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हम सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करने के बाद उस प्रोजेक्ट का अमाउंट निर्धारित करते हैं, तो इसकी बहुत कम संभावना होती है कि आगे चल के इस बजट में कटौती की जाए, क्योंकि हमारे पास अपना एक तर्क होता है कि हमने इस बजट के अकॉर्डिंग ही अपनी काम शुरू किया है और हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये बहुत कम संभावना होती है कि आगे चल करके उस प्रोजेक्ट के बजट में कटौती की जाए, लेकिन अगर की जाती है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, इवन इतना ज़्यादा प्रभावित कर सकता है कि हो सकता है कि आपको अपना प्रोजेक्ट बंद करना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने प्रोजेक्ट को क्या करे, आगे कंटिन्यू कर पाए, तो वो प्रोजेक्ट की बजट में क्या करती है, कटौती करती है, और बिना पैसे के हम अपना काम आगे नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू रिक्रूट स्टाफ विद स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट। ये देखिए, ये हाई प्रायोरिटी है, बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो स्किल स्टाफ हम ढूंढते हैं वो आपको मिल नहीं जाए, ऐसा बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें ऐसे स्टाफ की जरूरत पड़ती है कि जो वेल स्किल्ड हो हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, और आज के टाइम में आपको पता है कि जो वेल स्किल्ड होता है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी वर्किंग होता है। ठीक, और ऑलरेडी वर्किंग होता है तो हमें, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उस प्रोजेक्ट में इस तरीके से की स्टाफ को ढूंढना, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और ये आपके प्रोजेक्ट को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि अगर आपके पास स्किल्ड स्टाफ नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको प्रभावित करने वाली हैं। नेक्स्ट है, की स्टाफ आर इल एट क्रिटिकल टाइम्स इन द प्रोजेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट के बहुत ही ज़रूरी समय में आपके पास आपका स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, कुछ ऐसे की पर्सन्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर वर्क को केवल वही आदमी कर सकता है जिसे हम की स्टाफ के नाम से जानते हैं, तो ऐसे संभावना होती है कि कभी वो काम अगर फंस जाए और हमारे पास वो की स्टाफ अवेलेबल ना हो तो ऐसा सामान्यतः हो जाता है, जिसका गंभीर परिणाम आपके प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है। ये एक बड़ा रिस्क है आपकी कंपनी में, आपके प्रोजेक्ट के लिए। फॉल्ट्स इन रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैव टू बी रिपेयर्ड बिफोर दीज कंपोनेंट्स आर रीयूज्ड, मॉडरेट एंड सीरियस। ठीक है, जो भी रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें आपको रिपेयर करना है, ठीक है, हैव टू बी रिपेयर्ड बिफोर दीज कंपोनेंट्स आर रीयूज्ड। ठीक है, तो जो भी आपके रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जिन्हें रिपेयर होना है, ठीक, उसके पहले उनको रीयूज कर लिया जाए। क्यों? जब तक आपको फॉल्ट के बारे में नहीं पता होगा तब तक क्या होगा, अगर काम के दौरान आपके रीयूजेबल सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आती है, ठीक, तो वो भी आपके लिए एक समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे आपका जो प्रोसेस है वो इफेक्ट करेगा। तो ये मॉडरेट लेवल का है जो कि आपके
प्रोजेक्ट पर एक सीरियस इंपैक्ट डाल सकता है। चेंजेस टू रिक्वायरमेंट्स दैट रिक्वायर मेजर डिजाइन रिवर्क आर प्रपोज्ड। ठीक है, आपका जो मॉडल वर्क है, मेजर डिजाइन रिवर्क प्रपोज्ड, ठीक है, आपका जो मॉडल है जिस पर आप काम करते हैं उसमें अगर आप चेंजेस प्रस्तावित होते हैं, उसमें अगर बदलाव लाने की प्रस्तावना होती है, तो वो भी आपके लिए प्रभावी हो सकता है, सामान्य लेवल पर आपके प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकता है, जिसका गंभीर परिणाम प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्ट्रक्चर्ड सो दैट डिफरेंट मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। अगर किसी एक परियोजना के लिए कई प्रकार, कई सारे प्रबंधन समितियों को जिम्मेदार बनाया जाता है, तो वहां पर अलग अलग नीतियों और अलग अलग डायरेक्शंस की वजह से वो प्रोजेक्ट आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। ठीक, और ऐसा होता है कि अगर कहीं एक किसी एक काम के लिए कई लोग जिम्मेदार होते हैं, तो कई लोग अपने फोर्स करते हैं प्रोजेक्ट पर, अपने बल प्रयोग के कारण ठीक चीज़ों को नुकसान कर बैठते हैं, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। सो दैट इज सीरियस इफेक्ट ऑन आवर प्रोजेक्ट। द डेटाबेस यूज इन द सिस्टम कैन नॉट प्रोसेस एज मेनी ट्रांजेक्शन एज पर सेकेंड एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, तो जो एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं कि पर सेकेंड जो ट्रांजेक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू होने चाहिए, अगर वो नहीं होते हैं, तो ये भी एक सामान्य समस्या, एक मॉडरेट लेवल की प्रॉब्लम है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, जिसका सीरियस इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है। तो कुछ रिस्क टाइप और एग्जांपल्स के थ्रू हमने पढ़ा कि किस तरीके के रिस्क हैं, उसकी क्या संभावना होती है, और किस तरीके का प्रभाव वो हमारे प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। फिर क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर इज अंडरएस्टिमेटेड। जो भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए टाइम हमने डिफाइन किया है, अगर वो अंडरएस्टिमेटेड है, अंडरएस्टिमेटेड का मतलब होता है कि जो अनुमान हम लगा रहे हैं, हमने अगर कम अनुमान लगा रखा हो पहले से, एक्चुअल में उसके पास ज़्यादा टाइम लगना है उस पर, तो ये एक बहुत बड़ा हाई रिस्क फैक्टर है, जो कि आपके सीरियस आपके प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकता है। सॉफ्टवेयर टूल्स कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड। जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिन्हें आपस में सपोर्ट करके, आपस में सामंजस्य बना करके काम करना है, अगर वो ना करें या ना कर पाएं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सामान्यतः ऐसा होता है कि कई प्रकार के सॉफ्टवेयर वर्जन से एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, ठीक, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो टॉलरेबल है। क्यों? क्योंकि हम उसका रिप्लेसमेंट चेंज करके अपनी चीज़ों को दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हैं। कस्टमर्स फेल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट चेंजेस। ठीक है, जो भी आपने ज़रूरती बदलाव किए हैं अपने सॉफ्टवेयर में, जो कि आपके कस्टमर के समझ के योग्य नहीं है, ऐसी दिक्कतें आपको सामान्यतः मिल जाती हैं, तो ये टॉलरेबल है, क्योंकि फिर एज पर कस्टमर नीड हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस करके उन्हें अकॉर्डिंग यूजर फ्रेंडली और फ्रेंडली यूजर इंटरफेस दे सकते हैं अपने कस्टमर को। नेक्स्ट, द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग फॉर स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। हमारे कर्मियों के लिए, हमारे एम्प्लॉयज के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए होती है, अगर वो उपलब्ध नहीं है, तो ये भी एक सामान्य समस्या है कि हर जगह हम उस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं करा पाते, जो कि टॉलरेबल है। हम साथ में उसे इंटीग्रम, उन्हें सपोर्ट करके या एक्सपीरियंस पर्सन के साथ लगा करके उन्हें हम काम करा सकते हैं। द रेट ऑफ डिफेक्ट रिपेयर इज अंडरएस्टिमेटेड। जो डिफेक्ट्स हमारे सॉफ्टवेयर में होते हैं, उसके रिपेयरिंग के लिए जो हम रेट निर्धारित करते हैं, अगर वो अंडरएस्टिमेटेड है, तो वो भी एक सामान्य प्रकार की क्या है, सामान्यतः ऐसा होता है कि जो रेट हम डिफाइन करके प्रोजेक्ट में चलते हैं, उस पर्टिकुलर रेट पर हम रिपेयरिंग नहीं करा पाते, बट वो भी टॉलरेबल है। द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर अंडरएस्टिमेटेड। जो सॉफ्टवेयर का हम बना रहे हैं, साइज उसका अंडरएस्टिमेटेड रख रखा है हमने साइज के बारे में, जो अगर हम सोच रहे थे कि नहीं, हम पर्टिकुलर 700 MB में बना रहे हैं, और हम वो 2 GB में लेकर चले जाएं, जहाँ पर हायर कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़े, ठीक, तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की वजह से कोई अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करता। ठीक है, हमें एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में ही सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट कर सके, जो कि टॉलरेबल है। एंड कोड जनरेटेड बाई कोड जनरेशन टूल्स इज इन एफिशियंट। हमारे जो कोड जनरेशन टूल्स होते हैं, जिनकी मदद से हम प्रोग्रामिंग के कोड्स जनरेट करते हैं, अगर वो इनएफिशिएंट है, ठीक है, अगर अक्षम है, अक्षम का मतलब कि उतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है, उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं है, तो ये भी एक समस्या है हमारे प्रोजेक्ट में, रिस्क
टाइप हो सकता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि हम उसको चेंज में ला सकते हैं। और आगे हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं, किस तरह के रिस्क टाइप्स होते हैं, हम जानते हैं कि इन्हें अपने प्रोजेक्ट में कैसे किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जब भी आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें उसमें आप एक चीज़ ये रखें कि मेक रिस्क मैनेजमेंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, जोखिम प्रबंधन को अपने परियोजना का हिस्सा बनाएं। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप उसके रिस्क को कम करना चाहते हैं, उसके रिस्क से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी में रिस्क मैनेजमेंट को भी शामिल करने की ज़रूरत है, जहाँ पर इन बातों का आप ध्यान दे पाएँ किस परियोजना के अंतर्गत किस प्रकार के रिस्क आपको मिल सकते हैं। अगर आप इस रिस्क मैनेजमेंट को इसका हिस्सा बना के चलेंगे तो संभव है कि जो नुकसान आपके रिस्क की वजह से आपको हो सकती थी उसमें कमी आए और आप एक अच्छा प्रदर्शन कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई रिस्क अर्ली इन योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट में शुरुआती जोखिमों की पहचान करें। आपको पता है कि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपके पास टीम होती है, आपके पास एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, तो आप उसे कंसल्ट करके आपके प्रोजेक्ट के दौरान जो शुरुआती जोखिम होते हैं उनकी पहले से लिस्टिंग कर लें और उसे रिड्यूस करने के लिए, उसे एलिमिनेट करने के लिए पहले से एक योजना बनाएं। कम्युनिकेट अबाउट रिस्क, जो भी जोखिम संभावित जोखिम हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के दौरान उस पर बात करें, उसे बात करें, शेयर करें एक्सपीरियंस पर्सन के साथ, ताकि वो अपने अच्छे सुझाव दे करके आपके उन जोखिमों को कम करने में मदद कर सकें। कंसीडर बोथ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज, दोनों खतरों और अवसरों पर विचार करें। इस पर्टिकुलर रिस्क जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, कई बार रिस्क आपको होता भी है, तो आपको ये देखना होगा कि किस तरह के खतरे उत्पन्न होते हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज डेवलप होती हैं उस पर्टिकुलर रिस्क के अराइज होने के बाद में। एंड लास्ट, क्लैरिफाई ओनरशिप इशूज, ये बहुत ज़रूरी है कि उस प्रोजेक्ट पर किसका ओनरशिप है। अभी हमने आगे पढ़ा कि अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कई सारे मैनेजमेंट्स होते हैं तो ये भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये पूर्व निर्धारित हो कि जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष को दी जाए, ताकि वो अपनी योजना के अनुसार, अपने अनुभवों के आधार पर उन सभी चीज़ों को संपादित कर सके। प्रायोरिटाइज रिस्क, जोखिमों को प्राथमिकता दें। जो कि जैसे रिस्क जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, लो, वेरी लो, लो, मॉडरेट, हाई, वेरी हाई, तो आपको ये प्रायोरिटाइज करना होगा, उसकी आपको लिस्ट बनानी होगी कि कौन कौन से जोखिमों को आपको पहले हैंडल करना है, कौन कौन से ऐसे जोखिम हैं जो आपके प्रोजेक्ट को ज़्यादा प्रभावित करेंगे, तो सबसे पहले हमें उन पर फोकस करना चाहिए। सेकेंड, एनालिसिस रिस्क, ठीक, प्रायोरिटाइज करने के बाद आप उसका एनालिसिस करिए। एनालिसिस में हमने आपको बताया था क्या करते हैं, एनालिसिस में हम क्या करते हैं, पहले तो हम उस पर्टिकुलर जोखिम को समझते हैं, फिर उसकी कैटेगरी डिफाइन करते हैं कि वो हमारे प्रोजेक्ट को कितना प्रभावित करता है, बहुत कम करता है, कम करता है, सामान्य प्रभावित करता है, ज़्यादा करता है या बहुत ज़्यादा करता है, ठीक, उसी हिसाब से उसकी लिस्टिंग हम कर पाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज प्लान एंड इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्स, योजना और कार्यान्वयन जोखिम प्रतिक्रियाएं, ठीक है, आपकी जो रिस्क रिस्पॉन्स है, जब रिस्क होगा तो आपको उस पर रिस्पॉन्स करना होगा, ठीक, उसे रोकने के लिए आपके पास प्लान होगा, उसे आप इंप्लीमेंट करेंगे। सो आपको प्लान एंड इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्सेज, जो भी रिस्क रिस्पॉन्सेज किसी भी रिस्क के लिए होना चाहिए उसकी योजना बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर उसका इम्प्लीमेंटेशन करें, उसे लागू करें, ठीक, ताकि आपके रिस्क फैक्टर से जो भी नुकसान होने वाले हैं उन्हें कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। फिर रजिस्टर प्रोजेक्ट रिस्क, ठीक, और जो प्रोजेक्ट रिस्क सामान्यतः होते हैं आप उसे रजिस्टर करें, उसे लिखित में रखें अपने पास दर्ज करके रखेंगे नहीं ये जोखिम आपके साथ हो सकते हैं। एंड ट्रैक रिस्क एंड एसोसिएट टास्क, ठीक, आप रिस्क को ट्रैक करें और उसको कम करने के लिए जो सहायक काम हैं, जो सहायक चीज़ें हैं उसे साथ में कराएं। स्ट्रैटेजीज टू हेल्प मैनेज रिस्क, ठीक, कुछ ऐसे यहाँ पर स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपने रिस्क को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्या इसकी योजना हो सकती है।
Prepare a briefing document for senior management showing how the project is making a very important contribution to the goals of the business and presenting reasons why cuts to the project budget would not be cost effective. ठीक है, अगर आपको अपने साथ ये समस्या आती है कि आपकी संगठनात्मक वित्तीय समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो ये आपको ये जरूरत है कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट बनाएं और अपने सीनियर मैनेजमेंट को वो दिखाएं कि किस तरीके से ये कंपनी के गोल को, कंपनी के टारगेट को अचीव करने के लिए परियोजना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, आपने इस परियोजना में जो रीजंस हैं, जो कारण हैं, ठीक, जो कि जिसकी वजह से आप अपने बजट में कटौती नहीं कर सकते, उन कारणों को प्रदर्शित करें, उन्हें दिखाएं कि किस तरीके से ये हमारी योजना हमारे कंपनी के गोल में, हमारे कंपनी के फाइनेंशियल गोल में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. ठीक, अगर ऐसा हो पाता है तो ये संभावित है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है वो आपके प्रोजेक्ट में बिल्कुल कटौती ना करे या तो कम से कम कटौती करने की कोशिश करे. सेकंड, रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम्स. ठीक है, भर्ती संबंधी समस्याएं. अलर्ट कस्टमर टू पोटेंशियल डिफिकल्टीज एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिलेज. इन्वेस्टिगेट बाइंग इन कॉम्पोनेंट्स. आप अपने ग्राहकों को पहले से सावधान कर दें कि जो भी पोटेंशियल डिफिकल्टीज है, जो भी संभावित समस्याएं हैं या संभावित देरी है आपके प्रोजेक्ट को डिलीवर होने में. ठीक, तो अगर आप किसी व्यक्ति को पहले से बता के रखेंगे कि सर इस प्रकार की दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपकी सेवा में देरी हो रही है, कंसल्ट आप कर रहे हैं, तो वो आपकी बात को जरूर समझेगा. क्यों? क्योंकि वो आपका क्लाइंट है, आपसे सेवाएं ले रहा है, तो आपके स्ट्रैटेजी नीतियों से काफ़ी वो संतुष्ट होगा, तो आपकी बात को समझेगा. तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को क्या करें, अवेयर करके रखें अपने कस्टमर्स को. थर्ड, स्टाफ इलनेस. रीऑर्गेनाइज टीम सो दैट देयर इज मोर ओवरलैप ऑफ वर्क एंड पीपल देयरफॉर अंडरस्टैंड ईच अदर जॉब्स. ठीक, स्टाफ इलनेस मतलब जब आपका स्टाफ या कर्मचारी बीमार हो जाता है तो आप अपनी टीम को रीऑर्गेनाइज करिए. रीऑर्गेनाइज का मतलब होता क्या है, पुनर्गठन करें. पुनर्गठन में क्या होगा कि आप अपने की स्टाफ के साथ साथ एक एसोसिएट स्टाफ भी तैयार करें, ताकि अगर जरूरत के समय में अगर आपका की स्टाफ अवेलेबल नहीं होता है तो आपका एसोसिएट स्टाफ जो कि की स्टाफ के काम को जानता है, काम को कर सकता है, वो आपके परियोजना में मदद कर पाए. डिफेक्टिव कंपोनेंट्स. रिप्लेस पोटेंशियली डिफेक्टिव कंपोनेंट्स विद बॉट कंपोनेंट्स एज नोन रिलायबिलिटी. ठीक, रिप्लेसमेंट किस चीज़ का, डिफेक्टिव कंपोनेंट्स का, जो भी आपके खराब उपकरण है. ठीक है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में खराब उपकरण है उन्हें क्या करिए, रिप्लेस करिए, और उनके साथ ही एक रिलायबल कंपोनेंट, एक विश्वसनीय उपकरण जो कि आपके प्रोजेक्ट में आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में मदद कर सके, उन्हें आप वहाँ पर स्थापित करिए. रिक्वायरमेंट्स चेंजेस. Derive traceability information to OSS requirements change impact maximize information hiding into design. Requirement changes मतलब जरूरती बदलाव. ठीक, आप क्या करें, derive traceability information to OSS requirements change impact. जो भी आपके प्रभाव पड़ने वाले हैं, आपके पर्टिकुलर चीज पे जो प्रभाव पड़ने वाले हैं, उसके लिए जो जरूरती बदलाव है, ठीक, उसका, उसकी एक ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए. ट्रेसिबिलिटी मतलब जिसे आप ट्रेस कर सकें, जिसके आप पदचिन्हों को क्या कर सकें, एक तरीके से रिकॉर्ड कर सकें. ठीक है, और मैक्सिमाइज इन्फॉर्मेशन हैडिंग द डिज़ाइन. ठीक, और जो डिज़ाइन पर्टिकुलर है उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर पाए. ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी. प्रिपेयर अ ब्रीफ डॉक्यूमेंट फॉर सीनियर मैनेजमेंट शोइंग how the project is making a very important contribution to the goals of the business. ठीक, संगठनात्मक जो भी पुनर्गठन होगा, आपका रिस्ट्रक्चरिंग होगा, उसके लिए आप अपने सीनियर मैनेजमेंट को बताएं कि यह प्रोजेक्ट, यह परियोजना आपके बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है. थर्ड, नेक्स्ट, डेटा बेस परफॉर्मेंस. इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग एन हायर परफॉर्मेंस डेटा बेस. ठीक, डेटा बेस रिलेटेड जो परफॉर्मेंस होती है उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें ये इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, जांच करने की ज़रूरत है कि हम बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस डेटा बेस यूज़ करें ताकि इस तरह की दिक्कतें हमारे पास ना आए.
underestimated development time, investigate buying in components, investigate use of a program generator. ठीक, अगर हम अंडरस्टिमेट करते हैं अपने डेवलपमेंट के टाइम को, तो हमें इस प्रकार के इंटीग्रेशन टूल्स का या प्रोग्राम जनरेटर्स का या कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, ताकि जो अंडरस्टिमेट हमने कर लिया टाइम को, उसे हम क्या कर सकें, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरा करने की कोशिश कर पाएं। नेक्स्ट हमारा है रिस्क मॉनिटरिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क की मॉनिटरिंग करना। Assess each identified risk regularly to decide whether or not it is becoming less or more probable. यह निर्धारित करने के लिए कि नियमित रूप से प्रत्येक पहचाने गए जोखिमों का आकलन करें कि यह कम या अधिक संभावित है या नहीं। जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क एनालिसिस करेंगे, रिस्क प्लानिंग करेंगे, ठीक, तो रिस्क मॉनिटरिंग के दौरान आपको पता चलेगा कि जो रिस्क आप मतलब कि मॉनिटर कर रहे हैं वो आपके कितना ज़्यादा संभावित है प्रोजेक्ट में, मतलब कि कितने ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक। तो उस की जो प्रायोरिटाइज स्टेज है उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार हम जो एस्टिमेशन कर लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, वास्तव में मॉनिटरिंग करने के बाद पता चलता है कि नहीं, वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि एक अल्टरनेटिव सोर्स, कोई दूसरा विकल्प उस चीज़ को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो ये चीज़ होती है। ऑल्सो एसेस वेदर द इफेक्ट्स ऑफ द रिस्क हैव चेंज्ड, यह भी आकलन करें कि क्या जोखिम के प्रभाव बदल गए हैं। कई बार होता है कि जोखिमों के कारण जो प्रभाव हमारे प्रोजेक्ट पर पड़ने वाले हैं, वास्तव में वो प्रभाव ना पड़ के किसी अदर तरीके का इम्पैक्ट हमारे प्रोजेक्ट पर पड़ता है। तो इस बात की जानकारी आपको कब मिलती है? जब आप रिस्क मॉनिटरिंग करते हैं। ईच की रिस्क शुड बी डिस्कस्ड एट मैनेजमेंट प्रोग्रेस मीटिंग्स, ठीक, ये बहुत ज़रूरी होता है कि मैनेजमेंट्स की जो मीटिंग होती हैं, इट मीन्स कि प्रबंधन की प्रगति बैठकों में प्रत्येक प्रमुख जोखिम पर चर्चा की जानी चाहिए। ठीक, जब मैनेजमेंट्स की मीटिंग होगी तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट के दौरान जो मेजर रिस्क फैक्टर्स होते हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए, किस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स को किस तरीके से हम हैंडल करें अपने प्रोजेक्ट में। क्या लाभ है रिस्क मैनेजमेंट से? पहला लाभ है इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रभावी उपयोग। जो भी रिसोर्सेज हमारे प्रोजेक्ट में हैं, अगर रिस्क मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके हम चीजों को करेंगे तो सभी संसाधनों का अच्छी तरीके से उपयोग हम कर पाएंगे। दूसरा, प्रमोटिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक, रिस्क मैनेजमेंट से क्या होता है कि जो भी कमियां निकल कर आती हैं उसमें हम निरंतर सुधार देते हैं, सुधार करते हैं, इससे हमारी जो एक्यूरेसी लेवल होगी वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। फ्यूअर शॉक्स एंड फेलियर्स, अगर हमें पहले से रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता होता है, उसके संभावना, उसके परिणामों के बारे में पता है, तो जो भी शॉक, जो भी झटके हमें लगने वाले हैं कि नहीं ये नुकसान हो गया, आप कैसे मैनेज करें, तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लानिंग, रणनीतिक व्यापार योजना, ठीक, रिस्क फैक्टर्स को निकालने के बाद हमारे पास बहुत अच्छी योजना बन जाती है कि नहीं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें किस तरीके से हमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रेज्ड अवेयरनेस ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, महत्वपूर्ण जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाई। ठीक है, कई बार होता है कि हमें जोखिमों के बारे में बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छी जानकारी नहीं होती, बट रिस्क मैनेजमेंट के बाद जब वो चीज़ें निकल कर आती हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि इस रिस्क के क्या क्या परिणाम, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। क्विक ग्रास्प ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए अवसरों को त्वरित समझिए। जब आप रिस्क फैक्टर में रहेंगे, रिस्क आपके सामने निकल कर आएंगे, आप उसे हैंडल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरह की नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके प्रोजेक्ट के दौरान होती हैं और आप उसे हैंडल कर पाएंगे। इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन, संचार में वृद्धि होती है। रीअश्योरिंग स्टेक होल्डर्स, हितधारकों को आश्वस्त करना। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं प्रोजेक्ट में, उन्हें क्या करना, उन्हें आश्वस्त करने में आसानी हो जाती है रिस्क मैनेजमेंट के बाद, क्योंकि हम उन्हें दिखा सकते हैं कि किस प्रकार के रिस्क फैक्टर्स इस प्रोजेक्ट में हुए और हमने किस प्रकार से उन्हें अच्छे तरीके से हैंडल किया और उनसे उनके प्रभावों को बहुत ज़्यादा कम किया। फोकस ऑन इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम पर ध्यान दें। इट मीन्स कि हमें इंटरनल मॉनिटरिंग भी इसकी होनी चाहिए और उसकी एक रिपोर्ट बननी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस रिपोर्ट की मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को, अपनी परियोजनाओं को और अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से कर सकें।
रिकॉग्निशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये इस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है कि बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी भी योजना में हर किसी प्रत्येक सदस्यों की या प्रत्येक प्रबंधक की जिम्मेदारी और जवाबदेही को क्या करें, तय करें और उसे रिकग्नाइज करें। रिस्क इंडिकेटर्स, क्या रिस्क इंडिकेटर्स हैं? टेक्नोलॉजी में लेट डिलीवरी ऑफ हार्डवेयर और सपोर्ट सॉफ्टवेयर में रिपोर्टेड टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स, हार्डवेयर के डिलीवरी और हार्डवेयर डिलीवरी एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट में अगर देरी होती है तो ये आपके तकनीकी संबंधी समस्याएं हो सकती है, मतलब ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क आपका हो सकता है। पीपल पुअर स्टाफ मोरल, पुअर रिलेशनशिप एमंग्स टीम मेंबर्स, हाई स्टाफ टर्नओवर। ठीक, पुअर स्टाफ मोरल का मतलब जहां पर आपके स्टाफ के अंदर जोश ना हो काम के प्रति। दूसरा, आपके टीम के सदस्यों के बीच में अच्छा संबंध स्थापित ना हो और आपके प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा हाई टर्नओवर हो स्टाफ का, मतलब कि बहुत सारे लोग आपके प्रोजेक्ट को छोड़ के जा रहे हैं और नए लोग शामिल हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ा रिस्क हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल गॉसिप्स, लैक ऑफ एक्शन बाय सीनियर मैनेजमेंट। अगर आपका सीनियर मैनेजमेंट ठीक इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं दिखाता, आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सपोर्ट नहीं करता, तो ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। टूल्स फैक्टर में बात करें, रिलक्टेंस बाय टीम मेंबर्स टू यूज टूल्स, कंप्लेंट्स अबाउट केस टूल्स, डिमांड फॉर हायर पावर्ड वर्क स्टेशंस। रिलक्टेंस बाय टीम मेंबर्स टू यूज टूल्स, आपके टीम मेंबर्स के द्वारा पर्टिकुलर टूल्स को यूज ना करने की वजह से, या आपके जो केस टूल्स हैं कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स हैं उसमें प्रॉब्लम की वजह से, या हाई पावर्ड वर्क स्टेशंस की डिमांड की वजह से भी, ये सभी चीज़ें इंडिकेटर्स हैं कि आपको टूल्स फैक्टर में रिस्क है। रिक्वायरमेंट्स में बात करें, मैनी रिक्वायरमेंट्स चेंजेस रिक्वेस्ट कस्टमर कंप्लेंट्स, बहुत सारे चेंजेस रिक्वेस्ट, ठीक है, बहुत सारा ज़रूरी बदलाव आपके ग्राहक शिकायतों में क्या कर रहे हैं, बदलाव अगर लाते हैं, ठीक, मतलब कि आपके ग्राहक की शिकायतों में इजाफा होता है, तो ये भी एक रिस्क इंडिकेटर है आपके लिए। एस्टिमेशन में फेलियर टू मीट ग्रीड शेड्यूल, फेलियर टू क्लीन रिपोर्टेड डिफेक्ट्स। फेलियर टू मीट ग्रीड शेड्यूल का मतलब जो भी आपने निर्धारित समय किया है, निर्धारित चीज़ें टाइम बॉन्ड बनाया आपने, अगर उस समय को भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक, तो ये भी एक आपके लिए रिस्क फैक्टर है एस्टिमेशन के सेक्टर में। किस तरीके से मदद करता है ये? कीप ट्रैक ऑफ इश्यूज, मुद्दों पर हमें नजर रखने में मदद करता है। मेंटेन थ्रेशोल्ड, लिमिट्स बनाए रखने में मदद करता है। हेल्थ ऑफ प्रोजेक्ट, हमें अपने प्रोजेक्ट की कैसी हेल्थ है, किस तरीके से प्रोजेक्ट हमारा काम कर रहा है, उसके बारे में जानकारी देने में मदद रखता है। एंड ट्रैक ओवरऑल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस टू आइडेंटिफाई एंड डेविएशन, किसी भी विचलन की पहचान करने के लिए समग्र परियोजना प्रगति को ट्रैक करें। इट मींस कि रिस्क मैनेजमेंट से हमें यह पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस हमारी हो रही है, अगर उसे मैनेज करेंगे या उसे हम ट्रेस करेंगे तो पता हमें चल पाएगा कि किस तरह की विचलन, किस तरह के बदलाव या किस तरह की जरूरतें पैदा हो रही हैं उसमें। लास्ट में हम पढ़ते हैं कुछ की पॉइंट्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। एक तरीके से ये हमारा पूरा का पूरा समरी है। गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियल इफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आर टू बी डेवलप्ड ऑन शेड्यूल एंड विद इन बजट। यदि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परियोजनाएं अनुसूची पर और बजट के भीतर विकसित की जानी है तो अच्छा परियोजना प्रबंधक आवश्यक है। इट मीन्स कि अगर आपको अपने लिमिटेड बजट में, अपने स्टैंडर्ड बजट में और अपने टाइम बाउंड के अंदर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की परियोजनाएं आपको पूरा करना है तो आपके पास एक अच्छा ठीक परियोजना प्रबंधक, इट मीन्स कि प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए जिसके पास इस कार्य का अनुभव पहले से हो। दूसरा, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल, प्रोजेक्ट्स मे बी नॉवल और इनोवेटिव विद नोबडी ऑफ एक्सपीरियंस टू गाइड देयर मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस आर नॉट एज मेच्योर एज ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। सॉफ्टवेयर प्रबंधन अन्य इंजीनियरिंग प्रबंधन से अलग है, सॉफ्टवेयर अमूर्त है, अपने प्रबंधन को निर्देशित करने के लिए अनुभव के बिना शरीर के साथ परियोजनाएं, उपन्यास या अनुभव हो सकती हैं।
सॉफ्टवेयर प्रक्रियाएं पारंपरिक प्रक्रिया इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं की तरह परिपक्व नहीं है। इट मीन्स कि इंजीनियरिंग में कई सारे सेक्टर्स होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे अलग ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग से वो काफ़ी अलग होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रोज नए बदलाव आते हैं। रोज नए बदलाव आने के कारण हमें हमेशा इस सेक्टर में पर्टिकुलर में अपडेट होना है, ठीक। और बाकी कुछ सेक्टर्स तो होते हैं जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो परंपरागत होते हैं। परंपरागत का मतलब जो लंबे समय से उसी सिद्धांत पर कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सेक्टर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हर रोज आपको नए तरीके की चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नए तरीके की चीज़ें करने को मिलती हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब नई चीज़ें आती हैं और हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती तो हमें उसके अगेंस्ट में तैयारी करके रखनी चाहिए। थर्ड, रिस्क मैनेजमेंट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टास्क। जोखिम प्रबंधन को अब सबसे महत्वपूर्ण परियोजना प्रबंधन कार्यों में से एक माना जाता है। ये बिल्कुल सच है, ठीक। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में लगभग रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एक्सपीरियंस पर्संस की मदद से हम चीज़ों को संपादित करते हैं, बट रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से, बजट लिमिटेड होने की वजह से जो भी एक्सपेक्टेड रिस्क होते हैं उन्हें कम करने के लिए, उनसे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप क्या करें, रिस्क मैनेजमेंट करके चलें। तो आज के समय में रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग प्रोजेक्ट रिस्क टू एस्टैब्लिश द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल ऑकर एंड द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द प्रोजेक्ट इफ दैट रिस्क डन अराइज। यू शुड मेक प्लान्स टू अवॉइड, मैनेज और डील विद लाइकली रिस्क इफ और व्हेन दे अराइज। जोखिम प्रबंधन में परियोजना जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना शामिल है, ठीक। जोखिम प्रबंधन इट मीन्स कि रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना और उसका इवेल्युएशन करना शामिल है, ताकि वे जोखिम उत्पन्न होने की संभावनाओं को स्थापित कर सके, ताकि जो भी रिस्क अराइज होने वाले हैं उसमें जो पॉसिबिलिटीज है, ठीक, उसे हम समझ सकें, उसे आइडेंटिफाई कर सकें और परियोजना के लिए परिणाम उत्पन्न हो सके और प्रोजेक्ट के लिए जो रिजल्ट है वो, ठीक, ओरिजिनेट हो सके। यदि आप उठते हैं या संभावित जोखिमों से बचने या प्रबंधन या निपटने के लिए आपको योजना बनानी चाहिए। हमें अपने पर्टिकुलर योजना को में जोखिमों से बचने के लिए, मैनेज करने के लिए और उनसे डील करने के लिए योजनाएं बनाकर रखनी चाहिए, ठीक, ताकि उस रिस्क फैक्टर को हम कम कर सकें। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान दें, ताकि मैं आगे आने वाले समय भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना करके प्रेजेंट कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।